तो भाई फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं अनबॉक्सिंग की। एंड आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट की। सो वीडियो में बने रहो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छे लगे तो। बाकी ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहे। शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। इसके साथ हमें मिली है हमारी एक अनोखी सी गिफ्ट। एंड भाई ये है नॉइज का एयरबड जिसका मॉडल नंबर है BS103। एंड इसकी अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं आज इस वीडियो में, तो फटाफट से करते हैं इस पैकेट को अनबॉक्स। एंड भाई इस अनबॉक्सिंग में हमारे बॉक्स को काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। एंड अगर बॉक्स पे मेंशन कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ सबसे पहले नज़र जाता है भाई डिज़ाइंड इन इंडिया एंड इट फील्स वेरी गुड। मिलता है फुल टच कंट्रोल, हाइपर सेंस, 18 आवर्स की इसमें बैटरी है, प्ले टाइम एंड IPX5 वाटर प्रूफ है। एंड अब फाइनली बात करते हैं अपने इस एयरबड्स की। तो ये रहा उसका डब्बा एंड यहाँ हमें कुछ एडिशनल जो एक बॉक्स मिलती है उसके अंदर देख लेते हैं फटाफट से। एक टाइप सी चार्जिंग केबल एंड यस इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। यहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो अपने वारंटी। ऑलराइट, तो ये हमारा ईयरबड्स का केस एंड इस पर आप देख सकते हो एक इंडिकेटर LED है सामने एंड ऊपर नॉइज की एक सिंबल बनी हुई है। नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है एंड पीछे एक नॉइज की ब्रांडिंग है। ऑल दो काफ़ी सिंपल पैकेज है एंड अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। इसके केस की मैग्नेटिक क्वालिटी की तो थोड़ी सी और हो सकती थी यहाँ पे इम्प्रूव। ये इस पे लिखा है रिमूव मी, तो सबसे पहले ये काम करते हैं। एंड इसमें जो आपको एक सबसे अच्छी फीचर मिलती है वो है इसकी हाइपर सेंस। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो जैसे ही आप केस ओपन करोगे इंडिकेटर LED ऑन हो जाएगी। इसको आपको पेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस फ़ोन में आप ब्लूटूथ खोलोगे एंड इसके हाइपर सेंस के कारण जैसे ही आप केस ओपन करोगे आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। ये दैट्स वेरी कूल फीचर। ताकि आप देख सकते हो जैसे ही मैंने केस को बंद किया यहाँ पे जो हमारी एंड यहाँ पे जो हमारी पेयरिंग थी वो ऑफ हो गई एंड ये डिसकनेक्ट हो गया इससे। एंड अगर बात करें इसकी ऑडियो क्वालिटी की तो यार मैंने इस रेंज में काफ़ी सारे ईयरबड्स यूज़ कर चुके हैं बट पर्सनली इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी अपग्रेडेड लगी। एंड अगर बात करें इसकी लाउडनेस की तो लाउडनेस डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा दी गई है। अगर आप थोड़ी कम वॉल्यूम पे भी सुनोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लाउडनेस देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। इसके साउंड क्वालिटी में बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग मेरे हिसाब से इसकी उतनी अच्छी नहीं की गई है बिकॉज आपको इसके अंदर बेस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा बट जो वो एक क्लियरिटी होती है ना आवाज़ की वो इसमें थोड़ी सी कम है। एंड भाई अगर आप ट्रेवल को प्रेफर नहीं करते हो, बेस को प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली ये ईयरबड्स आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये अमेज़ॉन पे मुझे अवेलेबल हुआ है 1400 रुपीज़ में एंड डील्स में आपको 100 रुपीज़ ऑफ बेस में मिल सकता है। एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन से इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।